मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज मैं 6 साल से MTV के साथ हूँ. रियलिटी शोज मीन्स रियल. मैं खुद लास्ट ईयर भी रोडीज के सेट पे था. पूरी जर्नी मैंने साथ में बिताई है. मैंने सब कुछ देखा बिकॉज वहाँ पे भी गौतम भाई की प्रिंस भाई की जो लड़ाई हुई थी लोग बोलते थे फेक है क्योंकि हमने देखा वो 4-4, 3-3 घंटे वो लड़ाइयाँ चलती थी. सेट बंद हो जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फेक है. सब कुछ जितना रियलिटी शोज के अंदर होता है वो रियल होता है. कंटेस्टेंट्स को आप एक ऐसी जगह एक ऐसे एटमोसफेयर में जब छोड़ दोगे कि जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना फ़ोन मिल रहा है, ना अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ना वो मतलब उनको जो डाइट है वो नहीं मिल रही, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो उस गुस्से के अंदर किसी को मार देते हैं, चीज़ें कर देते हैं. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. MTV रोडीज, MTV स्प्लिट्सविला, इवन अभी मैं बिग बॉस की लाइक टीम से भी जुड़ा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फेक होता है. पूरा का पूरा जेन्युइन होता है. पिछले साल भी मैं सेट पे था और इस साल भी होने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ फेक होता है. सब कुछ रियल होता है. सर वो गेम का पार्ट होता है. मैं ऐसा नहीं मानता कि गलत हुआ है. इवन वो उसका मतलब इतना वो हो चुका है कि भाई क्रेज हो रखा है कि गलत हुआ. बट उसके साथ वाली पार्टनर भी थी तो उसका मतलब उसका पर्सपेक्टिव भी सही था ना. उसका उसको शो के बाद आगे लेके जा सकता था, ठीक है. और वो एक पावर कपल थे, जैसे कि शो के अंदर मेंशन करा था कि पावर कपल. पावर कपल का मतलब है कि पावर डिसीजन लेना. उसने अपना पावर डिसीजन लिया तो लोग पता नहीं क्यों उसको इतना गलत मान रहे हैं कि उसने गलत किया. मैं नहीं मानता कि उसने गलत किया. उसने जो किया अपने दिमाग से किया एंड उसको अच्छा लगता है.